जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर केवल 2-3 सेकेंड में कैसे निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 72 का स्क्वायर कितना होता है, 79 का स्क्वायर कितना होता है, 68 का स्क्वायर कितना होता है, तो शायद आप लोग नहीं बता पाएंगे। जिसका आपको पता होगा, याद होगा, उसको तो बता लेंगे, लेकिन जिसका नहीं पता होगा उसमें आप मल्टीप्लाई करके बताओगे। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रिक के माध्यम से 3-4 सेकंड में कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, अगर मैं आपसे पूछूँगा कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप तुरंत से बोलेंगे 144। ये आपको पता होगा क्योंकि ये आप बहुत बार यूज करते हैं और ये बहुत छोटा भी है। लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक के सभी संख्याओं का जो वर्ग निकलता है सबका कॉन्सेप्ट हमने सेम ही निकाला है। चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर आपको 12 का स्क्वायर निकालना है तो आया कितना, 144। अब समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। इसके कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे 3 ठो गोला बनाना है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे मैंने बना लिए। अब क्या करना है कि जो पहला संख्या है, पहला संख्या कितना है, इकाई वाला अंक 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होता है, तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है। अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई इसमें भी कराएंगे, यानी कि 1 दूना 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और फिर इसका स्क्वायर करा देंगे, यानी कि इकाई वाले का और दहाई वाले का दोनों का स्क्वायर करना है। जो बीच में रहेगा उसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर घात वाले में भी मल्टीप्लाई करना है। चलिए एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि 13 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 169 होता है। ये सब छोटा है इसलिए मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो कितना हो गया, 169 हो गया। तो आप फिर से 3 ठो गोला बनाइए। अब क्या करना है आपको, 3 का स्क्वायर लिखना है, कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे और जितना आएगा उसमें इस 2 का भी मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 1 3 3, 3 2 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। फिर से इस वाले 1 का स्क्वायर कराएंगे तो 1 आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबका आंसर सेम टू सेम आ रहा है। इसी प्रकार से एक संख्या और लेते हैं जो कि कुछ बड़ा लेंगे। बड़ा कहने का मतलब, जैसे मैं लेता हूँ 29 लेता हूँ इसका स्क्वायर। अब चलिए इसके लिए मैं लेता हूँ इस बार ये वाला पेन। अब देखिए फिर से आपको 3 ठो बनाना है गोला। अब देखिए इधर जब इन लोग का स्क्वायर करा रहे थे तो जो भी आ रहा था सिंगल डिजिट में आ रहा था, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आ रहा था, 3 का 9 आ रहा था। लेकिन अगर 9 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 81 होता है। कितना होता है बच्चों, 81 होता है। तो 81 का आपको 1 लिखना है, हासिल 8 रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 9 18, 18 2 36, और हासिल कितना था, हासिल था 8। तो 36 में 8 जोड़ेंगे तो होता है 44। तो 44 का 4 लिखेंगे, हासिल 4 रहेगा। अब इस 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और हासिल 4 था, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने सभी तरह के कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। तो इसी प्रकार से आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझबानी 4-5 सेकंड में इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसके लिए मैं यूज करता हूँ ग्रीन। देखिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे 72 का, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 का 8, हासिल 2, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 2 जोड़ेंगे तो 51। कितना हो जाएगा, 51, यानी कि 51 84 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से करते हैं अगले को, यानी कि इसको 9 में 81, 81 का 1 हासिल 8,
सात नवा तिरसठ, तिरसठ दूना कितना होता है, तिरसठ दूना 126, और हासिल कितना था, हासिल था 8, 126 में 8 जोड़ेंगे तो 134 होगा, तो 134 का 4 लिखेंगे, हासिल 12 हो जाएगी, 7 सत्ते 49 और 12 कितना होता है, 49 और 12 होता है 61, तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग जल्दी जल्दी निकाल पाएंगे, जैसे कि 8 का स्क्वायर होता है 8 अट्ठे 64, तो 64 का 4 लिखेंगे, हासिल कितना हो जाएगा 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 छक 48, 48 दूना 96, और हासिल 6 था तो 96 में 6 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, तो 102 का 2 लिखेंगे, हासिल 10 हो जाएगी, 6 छक्का 36 और 10 46, ये आपका आंसर हो गया। तो बाकी इन दोनों का आंसर कितना होगा आपको कमेंट करके बताना है, लेकिन चलिए एक कंसेप्ट और समझते हैं। ये था एक से लेकर के 100 तक के सभी संख्याओं का सिमिलर कॉन्सेप्ट, यानी कि सबका सेम कॉन्सेप्ट लगाना था जिसमें कि सबका आंसर आ रहा है, लेकिन अब मैं समझाता हूँ कि अगर कोई दो अंक का संख्या हो, हालांकि दो अंक के संख्या में ही दिक्कत होता है, अगर एक अंक का रहेगा 7 का 8 का 9 का तो आप आसानी से निकाल लेते हैं, तो अब देखते हैं कि अगर कोई दो अंक का संख्या हो जिसके इकाई वाला अंक 5 हो, क्या हो, इकाई वाला अंक 5 हो, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 45 हो गया, 65 हो गया, 85 हो गया, 85, तो इन लोग का देखिएगा क्या करना है आपको, कि जो इकाई वाला रहेगा उसका स्क्वायर आपको इस जगह लिखना है, यानी कि 5 पच्चे 25, 25 आपको सीधा सा लिखना है। अब क्या करिए आप कि जो दहाई वाला अंक है उसमें एक जोड़िए, यानी कि दहाई वाला अंक 2 है, 2 में एक जोड़िए कितना हो जाएगा 3, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई इस जगह लिख दीजिए, हो गया, कितना आसान है। ये देखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 का अगला संख्या 5 होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 चौका 20, आंसर हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 6 का अगला संख्या 7 होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 छक 42, इसका आंसर आप बताइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं का स्क्वायर निकालना बहुत ही सिंपल तरीका से आ चुका है। सो बच्चों, यदि आपको ये वाला वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए तरीके के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।